एसन वन मैकेनिज्म हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, आज पढ़ेंगे एसन टू मैकेनिज्म। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग दे रहे हैं एसन टू मैकेनिज्म। एसन टू मैकेनिज्म, ठीक है। एसन टू मैकेनिज्म का क्या, जैसे एसन वन था यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ टू है तो क्या हो जाएगा, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फिर उसमें बताया था ना कि उसका यूनिमोलिकुलर नाम क्यों पड़ा था, केवल एक ही के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था। ठीक है, इसका बायोमोलिकुलर क्यों नाम पड़ेगा, क्योंकि ये दो के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट हो रहा है, तो हम लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मतलब रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल को, तो हम लोग जेड से ऐसे दिखाते हैं, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आर एक्स जेड माइनस न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। फिर उसमें हम लोग पढ़े थे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, याद आ रहा है ना, 3 डिग्री था, फिर 2 डिग्री था, फिर 1 डिग्री था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम बताएंगे क्यों है 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म, तो इसमें भी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं, हेडिंग दे रहे हैं मैकेनिज्म। आराम से क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, जेट न्यूक्लियोफाइल, 1 डिग्री है, तो हम लोग 1 डिग्री बना रहे हैं, सी डार्क लाइन एच, डैश लाइन एच, एच और यहाँ पे एक्स, ये 1 डिग्री है। तो देखो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और हैलाइड जा रहा है, दोनों स्टेप साथ में हो रहा है, और ये इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट है, याद रखना ट्रांजिशन स्टेट इमेजिनरी है। क्या साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और हैलाइड जा रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है। ठीक है ना, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो देखो कैसे इसको कर रहे हैं, हम यहाँ पे सी लिख रहे हैं, ये एच, एच यहाँ क्या है, जेड, और यहाँ एक्स नेगेटिव, जेड भी नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, एच। देखो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये इमेजिनरी स्टेट है, कार्बन को कभी 5 बॉन्ड देखा है ना, नहीं ना देखा है, तो यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। ठीक, तो अब देखो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, हैलोजन चला जाएगा और ये आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, सी, यहाँ क्या लग गया, जेड, ठीक है, एच 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 प्लस क्या निकल गया, हैलोजन, यही है मैकेनिज्म। तो देखो, तो मैकेनिज्म में हम क्या लिखाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड कॉजिंग कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक ए न्यू कार्बन न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। टू प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये इंटरमीडिएट नहीं है, इमेजिनरी स्टेट है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और हैलाइड चला जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग लिखाने जा रहे हैं। ठीक, चलो अब हम लोग लिख रहे हैं इस पॉइंट को। तो देखो, तो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट्स विथ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कॉजिंग कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक
एंड न्यू कार्बन न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. क्लियर है? फिर क्या बोले? दीज टू प्रोसेस, ठीक है ना, लिख रहे दीज टू प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड नो इंटरमीडिएट, ठीक है ना, एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली bonded to five different atoms or groups. So it is highly unstable. ठीक है, तो प्रोडक्ट मेरा बन जाता है. ठीक, चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में क्या बताए थे कि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्या 2 डिग्री या सबसे कम 3 डिग्री है. तो रीज़न क्या है 3 डिग्री का कम रिएक्टिव होना, ये बताएंगे. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि SN2 मैकेनिज्म जो है वो डिपेंड्स करता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे. ठीक है, तो लिख देते हैं SN2 mechanism depends on stability of transition state. अब देख लो 3 डिग्री क्यों कम रिएक्टिव है. तो देखो ये क्या है 3 डिग्री, है ना. तो अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, ज़्यादा जगह लेके रख रहा है, ये बल्कि अल्काइल ग्रुप ज़्यादा जगह. और न्यूक्लियोफाइल को आना है इधर से, तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो इसको रुकावट देगा, ठीक है ना, ठीक से नहीं आ पाएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस. क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके कारण 3 डिग्री जो है वो कम रिएक्टिव है. ठीक है, क्या बोले? बल्कि अल्काइल ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत दे रहा है, इस प्रोसेस हिंड्रेंस हो रहा है. इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस. इसी चीज़ को हम लिखा रहे हैं. ठीक, तो देखो क्या लिखा रहे हैं. इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड कार्बन कैरिंग हैलोजन इज अटैच्ड टू थ्री बल्की अल्काइल ग्रुप which causes hindrance to incoming nucleophile in this transition state. ठीक है, इसका transition state बनाएंगे तो energy क्या होगा? maximum होगा. और जब जानते हैं कि energy maximum होता है तो reactivity क्या होता है? least होता है. ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसका जो transition state in this case, ठीक है ना, transition state का maximum energy होता है और reactivity क्या होता है? least होता है. in this transition state has maximum energy, 3 degree के केस में maximum energy, so reactivity is least.
ठीक है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। यहाँ जो लिखा है ना, विच कॉजेज हिंड्रेंस टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, होने क्या स्टेरिक हिंड्रेंस। बोलो क्लियर है ना, बहुत आराम से समझ में आएगा। एसन वन एसन टू बहुत आसान लगेगा। अब हम लोग इसका स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। चलो स्टीरियो केमिस्ट्री एसन टू मैकेनिज्म का, स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। स्टार्टिंग विद एन ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड रिएक्शन थ्रू SN2 mechanism results, ठीक है, inversion of configuration as it, क्यों ऐसा होता है, as it involves attack of nucleophile from back side, ठीक है। अब हम लोग इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे, अब उसके बाद फिर तुम्हारा एसएन टू खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये C है, यहाँ हम CH3 दिए, यहाँ H दिए, और ये मेरा C6H13 है और Br है ये, और यहाँ लिख रहे हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल तो बैक साइड से आ रहा है, ये OH माइनस है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब चलो इसका नेमिंग हमको बता दो। क्या बताए थे पिछले क्लास में, कि अगर फंक्शनल ग्रुप इस साइड रहेगा तो उसको क्या देंगे, प्लस साइन की माइनस साइन, याद है, माइनस साइन, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप इस साइड रहेगा तो उसको क्या साइन देंगे, प्लस, याद है ना, प्लस ब्यूटेन टूल बताए थे और माइनस ब्यूटेन टूल बताए थे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ फंक्शनल ग्रुप इधर है और मेरा कार्बन देखो ना 1 2 और ये 6 है, तो इसको क्या लिख रहे हैं, माइनस टू ब्रोमो ऑक्टेन। अब खुद ही डायग्राम बता दो ना, ये OH माइनस का यहाँ अटैक हुआ, ठीक है, OH माइनस का अटैक होगा तो क्या इसमें चेंज आएगा, देखो तो जरा, यहाँ क्या लिखोगे, C लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, CH3 लिखोगे, और H को इस साइड भेजोगे ना, और फिर इधर मेरा क्या आ गया, C6H13, 8 कार्बन है टोटल, C6H13 हो गया, और यहाँ क्या लग गया, OH। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है, अपोजिट, ठीक है ना, है ना अपोजिट, तो इन्वर्जन हुआ, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लस, फंक्शनल ग्रुप इधर है, प्लस ऑक्टेन टू ओल, ठीक है ना। तो हमको SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। बोलो क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान सबको लग रहा होगा, SN1 और SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। अब जरा दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, 2010 में ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन आया था, तो चलो ठीक है, ऐसे तो हम हर साल लिखवा देते हैं। चलो हेडिंग दे रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। ये मेरा कॉलम बन जा रहा है SN1 मैकेनिज्म, और ये मेरा कॉलम बन रहा है SN2। तुम्ही लोग बताएगा, बताओ ना SN1 में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हो गया। और इसमें क्या लिखेंगे बता दो, 2 है ना बाई मॉलिकुलर, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन
डिपेंड्स ऑन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. हो गया. चलो सेकेंड, सेकेंड में बच्चा लोग बता देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, ठीक है. अब इसमें आ जाओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये क्या हो गया, 3 डिग्री, ठीक है. अब चलो ये किसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता था, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे, और ये किसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता था, ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी पे, ठीक है ना. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है. और यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक. और लास्ट का इसका स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री में इसमें क्या होता है, पार्शियल रेसमाइजेशन, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ लिख लेना स्टीरियो केमिस्ट्री में, पार्शियल रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस, पार्शियल रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्शियल रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस. और इसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस. हो गया एसन वन एसन टू, आराम से बच्चा लोग को क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मालूम है हमको, ठीक है. जब क्वेश्चन कराएंगे तब तो फिर और अच्छा लगेगा, ठीक है. अब चलो एक थोड़ा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से देख लेते एक टॉपिक. चलो हेडिंग दे रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसन वन एंड एसन टू मैकेनिज्म, ठीक. फर्स्ट है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड. देखो तो अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा तो SN2 मैकेनिज्म, और एल्काइल हैलाइड टर्शियरी होगा तो SN1 मैकेनिज्म. पर 2 डिग्री का क्या करे, तो 2 डिग्री SN1 और SN2 दोनों शो कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन, ठीक है ना. तो हम लिख देते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फेवर्स, फेवर्स क्या, SN2 मैकेनिज्म, वाइल टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड फेवर्स, फेवर्स क्या, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है. तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स बोथ बाय SN1 और SN2 मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन, मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन. हो गया. सेकेंड आ जाओ, सेकेंड में है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ
न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स, फेवर्स SN2 mechanism while weak nucleophile favors SN1 mechanism, SN1 mechanism. कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ. थर्ड, थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियो फाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन फेवर्स फेवर्स SN2 mechanism. While low concentration favors competition के लिए, ठीक ना, low concentration favors SN1 mechanism. हो गया, चलो लास्ट आ जाओ. नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN1 मैकेनिज्म, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN1 मैकेनिज्म. हो गया, क्लियर है. नेचर ऑफ एल्काइलेट 1 डिग्री SN2, 3 डिग्री SN1, ठीक. सेकेंड, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन SN2, लो कंसंट्रेशन SN1, ठीक है. नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN1 मैकेनिज्म, ठीक है. और एक ये लास्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 एंड SN2 बोथ, ठीक है ना, दोनों में. तो हैलोजन दोनों के केस में सबसे पहले आई टूटता है, फिर बी आर टूटता है, सबसे कम सी एल. तो दोनों के केस में सबसे पहले आर आई, फिर क्या हो जाएगा आर बी आर, और फिर क्या हो जाएगा आर सी एल. क्लियर है. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी SN1 और SN2 में किसका है, आई का है, फिर बी आर, और फिर उसके बाद हैलोजन, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, और सबसे कम क्या हो गया, क्लोराइड, ठीक है. अब हम लोग है ना नेक्स्ट क्लास खाली SN1 और SN2 से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है.